हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जीरो रेटेड सप्लाई इन जीएसटी के बारे में बात करेंगे। जीरो रेटेड सप्लाई को दो पार्ट में मैंने आपको समझाया है, पार्ट वन के बारे में बात करेंगे। हर एक देश अपने यहाँ यह चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, प्रत्येक सरकार एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहती है और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए अनेक तरह के उपाय करती है, जिसमें जीएसटी में छूट भी एक उपाय के रूप में सामने आता है। जैसा लिखा है, गवर्नमेंट ट्राई टू इंक्रीज इन इट्स एक्सपोर्ट एज मच एज पॉसिबल। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जीएसटी में अनेक तरह की रिलीफ दी जाती है, उसमें से एक रिलीफ जीरो रेटेड सप्लाईज भी शामिल है। अर्थात ऐसे गुड्स पर टैक्स जीरो रेट से लगता है, टैक्स की रेट जीरो मानी जाती है, अर्थात उस पर कोई भी हमको जीएसटी नहीं चुकाना है। इस पूरे जीरो रेटेड के संबंध में पांच तरह के पॉइंट्स हमको स्टडी करना है। इंट्रोडक्शन, रिफंड ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज, रिफंड प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड सप्लाईज टू सेज और प्रोविजनल रिफंड। इनमें से पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन, यदि कोई रजिस्टर्ड डीलर अपने माल या सेवाएं या दोनों का एक्सपोर्ट करता है या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में स्थित कारोबारियों को सप्लाई करता है, तो ऐसी सप्लाई पर जीरो रेट से टैक्स लगता है, टैक्स की रेट जीरो मानी जाएगी। मींस ऐसे माल पर जिनको हमने एक्सपोर्ट किया है, ऐसी सर्विसेज जिनको हमने एक्सपोर्ट किया है, उस पर कोई टैक्स नहीं चुकाना है, जीरो रेटेड सप्लाई मानी जाएगी। और अगर ये सप्लाई सेज में स्थित यूनिट्स को की गई है, सेज मीन्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ पर विशेष सुविधाएं देकर एक्सपोर्ट बढ़ाने का काम किया जाता है, उन यूनिट्स को अगर माल का सप्लाई किया है, तो वहाँ भी जीएसटी जीरो रेट से लगेगी, मीन्स कोई जीएसटी दे नहीं होगा। एक तरह से इसे हम टैक्स फ्री सप्लाई भी कह सकते हैं, लेकिन ये टैक्स फ्री सप्लाई अनेक तरह की हो सकती है, जिनके अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जीएसटी एक्ट में इनको अलग अलग नाम दिया हुआ है और दोनों इन सब में थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस है, अल्टीमेटली टैक्स उन पर नहीं लगता है। क्या क्या स्थितियां हो सकती है, ये एक चार्ट के रूप में आपको बताया। पहला, निल रेटेड सप्लाईज, ऐसे सप्लाई जो जिस पर निल रेट से टैक्स है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ऐसे माल का ट्रांसफर जिस जो कि टैक्सेबल नहीं है, अर्थात जीएसटी रिज्यूम में जिस पर कोई टैक्स नहीं दे है, जीएसटी जिन यूनिट्स पर, जिन माल पर, जिन सेवाओं पर लागू ही नहीं होता है। एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाई में कौन सी बातें होती है, कौन सी चीजें होती है, जी जीएसटी रिज्यूम में तो शामिल है लेकिन जिस पर जीएसटी एक्ट के प्रोविजंस के अनुसार उसको टैक्स फ्री घोषित कर दिया गया है। और जीरो रेटेड सप्लाई, ऐसी सप्लाई जिस पर एक्सपोर्ट करने पर या सेल्स को सप्लाई करने पर जीरो रेट से टैक्स लगता है। अब इन सब में अलग अलग तरह की फैसिलिटीज दी हुई है। जीएसटी में
एक सिंपल सिस्टम जो आपको मैंने पहले बताया था और बाद में अलग से और डिटेल में डिस्कस करेंगे। दो तरह के टैक्स हैं, आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स। किसी भी डीलर की लाइबिलिटी क्या होती है, जो माल उसने ट्रांसफर किया है, सप्लाई दी है, उस पर जीएसटी की रेट से टैक्स लगाना, ये कहलाता है। जो माल बाहर जा रहा है, सर्विस जो बाहर जा दी जा रही है, उस पर टैक्स, वो आउटपुट टैक्स कहलाता है। एक कहलाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो आपने रॉ मटेरियल खरीदा है, जो सर्विस देने के लिए आपने कुछ चीजें ली है, उस पर आपने जो टैक्स चुकाया है वो कहलाता है इनपुट टैक्स, और उसकी क्रेडिट दी जाती है। देन नेट लाइबिलिटी उसकी क्या बनती है, जो आपका आउटपुट टैक्स है उसमें से इनपुट टैक्स क्रेडिट कम कर दी जाती है, बैलेंस बचा है वो आपको चुकाना होता है। अब ये जो अलग अलग तरह की सप्लाईज हैं, नील रेटेड सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई, इन सब में इनपुट टैक्स क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, अर्थात जो आउटपुट टैक्स बन रहा है उन चीजों को खरीदने के लिए आपने कोई टैक्स चुकाया है तो क्या उसकी क्रेडिट मिलेगी, क्या उस चुकाए गए टैक्स की क्रेडिट मिलेगी, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबिलिटी कहलाती है। तो जो माल नील रेट से सप्लाई किया जाता है, जिस पर नील टैक्स लगता है, उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, अर्थात आपने जो सामान खरीदा उसको बेचते समय आपको जीरो टैक्स बन रहा है, तो जो सामान खरीदा उस समय अगर आपने कोई टैक्स चुकाया है तो उसकी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी, वो माइनस नहीं होगा। नॉन टैक्सेबल सप्लाई, इसमें भी ये जीएसटी रिज्यूम में ही नहीं है, तो जब आउटपुट टैक्स ही नहीं है तो इनपुट टैक्स भी इस पर नहीं लगेगा। एग्जेम्प्ट सप्लाई, क्योंकि इसको एग्जेम्प्ट किया हुआ है इस माल को, इसलिए आउटपुट टैक्स इसमें नहीं बनेगा। इस कारण ऐसे माल पर, सर्विसेज पर यदि आपने कोई इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है तो वो भी आपको बेनिफिट इस पर नहीं मिलेगा। अर्थात इन तीनों ही स्थितियों में जो आउटपुट जीरो होने से, आउटपुट टैक्स जीरो होने से इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। लेकिन जीरो रेटेड सप्लाई में आउटपुट टैक्स जीरो नहीं बनेगा, लेकिन उस माल या सामान को आपने जब क्रय किया था उस पर आपने अगर कोई टैक्स जीएसटी चुकाया है तो वो जीएसटी इनपुट क्रेडिट अवेलेबल होगी, उसका फायदा आपको मिलेगा। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी फेल्स विद इन जीएसटी एडमिट, ये लगता है जीएसटी इनमें लगेगा। जीएसटी रिज्यूम में ही नहीं है, जीएसटी छाता में नहीं है, इसलिए इस पर कोई टैक्स की बात नहीं आएगी। ये जीएसटी आउट इनपुट टैक्स हो सकता है आपको क्रेडिट मिली हुई हो, आपको लाभ मिला हुआ हो, आपने चुकाया हो टैक्स, लेकिन उसके फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। अर्थात नील रेट सप्लाई जीएसटी के परिधि में आता है, एग्जेम्प्ट सप्लाई जीएसटी के परिधि में आता है, लेकिन नॉन टैक्सेबल सप्लाई जिस पर जीएसटी का कोई नियम लागू नहीं होता, जीएसटी एम्बिट में शामिल नहीं है। जीरो रेटेड सप्लाई में जीएसटी एम्बिट में शामिल है, इस पर सारे प्रोविजंस लागू होता है। एग्जांपल्स इसके दिए हैं, नील रेटेड सप्लाई होटल एकोमोडेशन विथ टैरिफ बिलो 1000। होटल में जो कमरे किराए पर दिए जाते हैं, यदि उसका रेंट 1000 रुपए से अधिक है तो जीएसटी लगता है, 1000 से कम है तो नील रेट से जीएसटी लगेगा। जीएसटी के दायरे में तो है, लेकिन नील रेट से टैक्स होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नॉन टैक्सेबल की सप्लाई का उदाहरण दिया है, सप्लाई ऑफ एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अगर आपने एल्कोहल शराब इत्यादि की बिक्री की है, सप्लाई दिया है, तो जीएसटी के दायरे में ये नहीं आता है। एग्जेम्प्ट सप्लाई इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर कोई सामान खरीदा है
तो वो सप्लाई एग्जेम्प्ट कहलाएगी, उस पर कोई अलग से टैक्स कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। जीरो रेटेड सप्लाई में आपने माल का जो एक्सपोर्ट किया है वो इसमें शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए एक्सपोर्ट ऑफ शूज टू साउथ अफ्रीका, शूज टैक्सेबल है लेकिन क्योंकि आपने साउथ अफ्रीका को एक्सपोर्ट किया है, बाहर भेजा है, देश से बाहर भेजा है, तो आपको जीरो रेटेड सप्लाई मानी जाएगी। आउटपुट टैक्स इसमें जीरो बनेगा, लेकिन शूज को तैयार करने में जो रॉ मटेरियल आपने लिया है, सर्विसेज कुछ ली होगी, उस पर यदि आपने टैक्स चुकाया तो उसका बेनिफिट आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में मिलेगा। आगे टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा, उसके वापसी के क्या नियम होंगे, कैसे मिलेगा, वो हम पार्ट 2 में इसको बताएंगे। थैंक यू।